साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 90 मिनट का भाषण, लेकिन इस भाषण से क्या 132 करोड़ की आबादी खुश है? अमृतकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। अपने अब तक के सबसे छोटे भाषण में, बजट के भाषण में, निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी से लेकर ई पासपोर्ट तक का ऐलान किया, किसान ड्रोन से लेकर 5G सर्विस शुरू करने का भरोसा दिया, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला? कुछ नहीं सिवाय थैंक यू के। 8 साल से नौकरी पेशा लोग टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी बजट में टैक्स छूट नहीं बढ़ी है। वित्त मंत्री से जब पूछा गया, उनका भाषण खत्म हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हर बार की तरह करती हैं, उसमें पूछा गया तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि टैक्स नहीं बढ़ाया। वही अपने आप में राहत है। जब सरकार हर वर्ग के लोगों पर पैसा खर्च कर रही है तो फिर मिडिल क्लास को क्यों छोड़ दिया? ये सवाल तो पूछना बहुत ज़रूरी है। ये भी पूछना ज़रूरी है कि क्या इस बजट से चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? क्या किसानों को इस बजट से राहत मिलेगी? क्या नौजवानों को रोज़गार मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने से पहले किसको क्या मिला, किसने क्या कहा इस बजट पर, आप सुन लीजिए। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, भारत के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये डायरेक्शन लेस है, इसका कोई दिशा नहीं है। आम लोगों को क्या सुविधा देना चाहता है इसका कोई जिक्र नहीं है। हमारे किसान, उनके MSP के लिए कोई बात नहीं रखे गए, इसलिए मैं कहता कि हवा हवा में बात हुई। देखो, बजट से फायदा तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन जितना दिखाते हैं उतना नहीं होता, दिखाते जाते हैं मिलता कम है। हम बजट 2022-23 यह गरीब कल्याण बजट है, यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा साहब, सांसद है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद है शिवसेना की, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। KC त्यागी साहब, महासचिव है JDU के, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा, उनसे सवालों का जो ये सिलसिला है शुरू करते हैं। राकेश जी, मिडिल क्लास बड़ा नाराज़ है, अमृतोत्सव के बहाने आप कह रहे हैं कि ये पहला बढ़िया बजट है, लेकिन उस अमृत की एक बूंद जो है वो मिडिल क्लास को नहीं मिल रही है। खासकर ना तो टैक्स लाभ में परिवर्तन हुआ, ना किसी तरह की छूट हुई, ऊपर से निर्मला सीतारामन जी ये कह रही हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाया, यही अपने आप में राहत है। आप जिस बात को लेकर आगे बढ़ रही हैं वह बात मध्यम वर्ग के किस सर्वे से आया है कि नाराज है? मध्यम वर्ग इस देश की अर्थव्यवस्था में, देश की असामान्य स्थिति में सबसे अधिक योगदान करता है, परिस्थितियों को समझता है। पूरी दुनिया में टैक्स लैब बढ़ा है, भारत एक ऐसा देश है जो पिछले 2 सालों में टैक्स लैब नहीं बढ़ाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, देश की आर्थिक गतिविधि मध्यम वर्ग हो कि सामान्य वर्ग हो, सबको लाभ पहुँचाता है। एक महत्वपूर्ण देखिए, पूरी दुनिया में जो स्लो डाउन है कोविड के कारण, यूरोपियन यूनियन में 5% ग्रोथ था 21 में, 4.3% 22 में, और 23 में 2.5% का रखा गया। भारत 9% से अधिक ग्रोथ रेट दे रहा है। उसका एक बड़ा प्रमाण देखिए, ये जो विपक्ष बार बार चलाता था कि देश आर्थिक रूप से कहाँ जा रहा है, उनको बता दें कि इस महीने जो GST का कलेक्शन है 1.38 लाख करोड़ है। यदि आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी, न रोजगार बढ़ेगा, न कल्याण क्या रहेगा। दो महत्वपूर्ण बात समझिए रूबिका जी, जो सामान्य लोग होते हैं, जो बजट की सीमा से बाहर रहते थे, ये पॉपुलिज्म के द्वारा सरकारें कुछ हेडलाइंस बनाती थी और सामान्य लोग तो घर विहीन, जल विहीन रहते थे। उसका एक उदाहरण देखिए, इस सरकार ने वादा किया था कितना पानी देने का, 8.5 लाख घरों को पानी देने का वादा किया था।
अब 3.5 हम 5.5 लाख करोड़ घर को दे करोड़ घर को दे चुके हैं, बाकी 3.2 को अभी देने वाले हैं। यदि वो स्वच्छ जल जिन लोग जो सामान्य लोग हैं और 80 लाख हम घर बनाकर देंगे, जो बनाकर दिया उसको छोड़ दिए, एक फाइनेंशियल में हम 80 लाख घर बनाएंगे गांव और शहर में, जिन लोगों को उन गृह घर विहीन जल विहीन लोगों की कल्पना नहीं है, वही इस बजट को कोई मैं कह कोई धृतराष्ट्र भी इस बजट की आलोचना नहीं कर पाएगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आने से पहले, नहीं आपने आपने जो पहली बड़ी बात कह दी है, आपने कहा कहां से पता लगाया, भाई यहां जितने भी काम करने वाले सर्विस क्लास लोग हैं ना सर, वो सब मिडिल क्लास ही हैं, मैं अपने आप को भी मिडिल क्लास ही कहती हूं। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं रूबिका जी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें कुछ बलिदान करना पड़ेगा, तो हम राजी हैं बलिदान के लिए, लेकिन मैं हमारे यहाँ पर एक कहावत है राजस्थान की, ऊंट की गर्दन लंबी तो क्या उसे काट देंगे, तो क्या टैक्स पेयर को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी क्या राकेश जी, या हर बार आप उन्हें थैंक यू और बलिदान के ये मुहावरे इस्तेमाल करके कहेंगे कि नहीं अभी चलो हो गया आपका। नहीं रूबिका जी मैं बताता हूँ, रूबिका जी हम लोग हम दोनों मैं भी शिक्षक हूँ एक मध्यम वर्ग का ही हूँ आप भी हैं, अगर हम लोगों के टैक्स में 5% का अंतर आ जाता साल में कितना बचाते, और देश की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी तो क्या मध्यम वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा। एक मैं आप एक उदाहरण सुन लीजिए, एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बजट में लोग भूल जाते हैं, जिसका 1,51,000 पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके थे, बंद के कागार पर थे, हाँ, उसको कितने लोग काम करते थे हम जानते हैं, चिट्ठियों का व्यवहार बंद हो गया, 1,51,000 पोस्ट ऑफिस को, ठीक है मैं समझ गई सिन्हा साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास, सुन लीजिए ना, 1,00,000 मेरे तीन और मेहमान हैं, कोर बैंक मैं अपनी बात पूरा देखिए, आपने एक पंक्ति खाली सुन लीजिए बस, एक मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2014 में जब हमने सरकार लिया था चलने के रूप में, तो 63 साल में सरकार ने 97,000 हाईवे बनाया था, सिर्फ 97,287 किलोमीटर। 2021 तक हमने 1,62,000 हाईवे पे छोड़ा और 25,000 किलोमीटर भी हाईवे बनाएंगे, बताइए 7-8 साल में हमने दो गुना से अधिक हाईवे बनाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रोजगार नहीं आप दे रहा है? ये आर्थिक गतिविधि को आपने आने वाले कल के लिए तैयारी कर ली है और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, आप ये कह रहे हैं लोक लुभावन मन भावन नहीं, अभी देश को आगे बढ़ाने का बजट है, ठीक है। हमारे साथ अभय दुबे जी भी है, प्रियंका चतुर्वेदी जी भी और केसी त्यागी भी। अभय जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ सांसद शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूं। प्रियंका जी आपको क्या अच्छा लगा इस बजट में, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये ब्लॉकबस्टर बजट है, गुड बूस्टर डोज है, इन्वेस्टमेंट हुआ है हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो नौकरियों का सृजन अपने आप होने लगता है और उससे GDP का चक्का चलने लगता है आगे की तरफ। ये सब बातें जो कही गई हैं बहुत ही अच्छी बातें कही गई, पर रोड मैप के आधार पर एकदम शून्य पाए गए हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने शब्दों का चयन किया शुरुआत में अपने बजट के, उन्होंने कहा फिनटेक की बात करेंगे, डिजिटल की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात करेंगे, हम क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे, और जैसे ही उन्होंने उस पर इलैबोरेट किया वहीं पर ये लोग पस्त पाए गए। ये इसलिए पस्त हो जाते हैं क्योंकि इनको जनता जो त्रस्त है उनका दुख नहीं समझ में आ रहा है। आज आम आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज आपके आप तो चलो स्टूडियो में बैठे हैं पर आप बाहर जाएंगे तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, युवा वर्ग बाहर आकर आक्रोशित होकर जॉब्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज चरम सीमा पे है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा। मेरी उम्मीद ये थी कि आप इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे, आपका इमीडिएट कुछ वो होगा इन्वॉल्वमेंट होगा ये जॉब का प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी मार क्या है, महंगाई की मार है। आप फ्यूल टैक्स की बात करते हैं, अभी भाई साहब बता रहे थे किस तरीके से हमारा GST कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स पेयर्स जो पैसा है वो सरकार को आ रहा है, तो उसमें भी आप जनता को किसी तरीके का राहत नहीं दे रहे। डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं, ना ही कोई इनडायरेक्ट टैक्स में राहत है, और आप उसी के कलेक्शन को अपनी वापसी वाल लूट रहे हैं। तो ना आम आदमी को राहत, ना आम आदमी के लिए नौकरियां, ना महिलाओं के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी, ना किसी तरीके का जो ग्रीन ट्रांजिशन इन सब की बात कर रहे हैं उसके लिए कोई रोड मैप। तो पता नहीं क्या फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, इन्होंने विकास पे ही अंतराल ले आए हैं इस बजट के बाद से। केसी त्यागी जी, तो कुल मिलाकर विपक्ष का ये कहना है दिशाहीन बजट है,
जैसा प्रियंका चतुर्वेदी कहने की कोशिश कर रही है कि ना महिलाओं का जिक्र हो रहा है, ना कोई खाका आप मजबूत तौर पर दिखा पा रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं अगी जी, और स्पेशली तब जब आपने न जाने कितने बजट देखे हैं, उनको परखा है जमीन पर धरातल पर? मैंने तो रूबिका जी ऐसे भी दौर देखे हैं, मैं मनोरंजन के लिए कहना चाहता हूँ कि पहले 4 बजे बजट आया करता था आफ्टरनून, और कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो उस समय इस तरह के स्पोक्समैन नहीं होते थे, और ना आपकी और हमारी तरह सीधी बातचीत होती थी, टीवी भी नहीं था, तो अखबारों के दफ्तर में 4 बजे बजट आने वाला है और 3 बजे कई लोग प्रतिक्रियाएँ भिजवा देते थे कि ये इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, इससे रोजगार नहीं होगा। तो मैं तो 45-50 साल से ये सब देखता हूँ, इसमें एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो काम अच्छे होते हैं उनकी हम प्रशंसा करें कि सरकार ने ये काम अच्छे किए हैं, और जो काम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, या जो एरिया नेग्लेक्टेड रह गए हैं, अनअफेक्टेड हैं, उस पर हमारा स्ट्रेस होना चाहिए था, उसकी भी हम आलोचना भी करें, नसीहत भी दें। जैसे नेशनल हाईवे के लिए हुआ है, सबको तारीफ करनी चाहिए, अबे जी के समय में भी हुआ, हमारे समय में भी हुआ, अब भी चल रहा है। पेयजल का है, हर घर जल, बिहार में राकेश जी और हम वहीं से आते हैं, वहाँ योजना बड़े जोरों से चल रही है। लेकिन मेरी शिकायत थोड़ी सी रूरल सेक्टर को लेकर के है, पूरी ये 100 साल के बाद ऐसा संकट कभी नहीं आया था इंडियन इकोनॉमी पे भी और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, और रूरल सेक्टर ने संभाल कर रखा, आपने हर क्षेत्र में बढ़ा के दिया। मैं चाहता हूँ, मैं और आपके माध्यम से खासतौर से रूबिका जी कहना चाहता हूँ, जैसा बुरा हाल एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैंने स्वास्थ्य का देखा है, भगवान मेरी जिंदगी में वो लम्हे दोबारा ना आए, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको हॉस्पिटल से लाने के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख मृतकों के परिवार ने दिए हैं। हमारा कोई आलोचना के लिए नहीं है, मेरा सुझाव के लिए है, कम से कम जो बजटरी प्रोविजंस थे हेल्थ के, कम से कम दुगने होने चाहिए। 8-8% की GDP है हेल्थ की, आप कुछ मत कीजिए, दो काम हो, और मैं सारे दो तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ के हैं, राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के बाहर के हैं, मित्र हैं, इसके लिए लड़ना चाहिए कि स्वास्थ्य में कम से कम 3% की GDP होनी चाहिए। इस समय रूबिका जी 1.27% है, जो बहुत कम है, थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, लेकिन और बढ़ाया जाए तो अच्छा है। नेशनल हाईवे के लिए आपने डबल कर दिया, मुझे बहुत प्रशंसा है, लेकिन रूबिका जी 70 साल के बाद अमृतकाल के दौरान भी 50% जो जमीन है गांव की वो इरिगेटेड नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ अपने मित्रों को बताने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मना करें कि मैं गलत कह रहा हूँ, 50% राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, बारिश हो जाएगी तो फसल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे की तर्ज पर नेशनल इरिगेशन भी बन जाए, एक योजना ऐसी भी बन जाए। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, तो जो उसके लीडर थे लेनिन, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, 5 साल पूरे देश में पूरे गांव में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, अगर बिजली पहुंच जाएगी तो रोजगार पहुंच जाएंगे, और 5 साल में उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन सब कर दिया, और काफी लंबे समय तक रूस की इकोनॉमी अमेरिका से मुकाबला करती रही। लिहाजा स्वास्थ्य के में और शिक्षा के में हम सब परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं, क्या हालत होगी है 2 साल में, बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं। हम तो चारों पांचों लोग मिडिल क्लास के हैं, जब मैं MP रहता हूं तो मैं अपर मिडिल क्लास का हो जाता हूं, आजकल XMP हूं तो थोड़ा नीचे चला गया हूं राकेश जी और प्रियंका जी। लिहाजा एक घर में अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट है, 5 बच्चे 4 बच्चे 3 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इन सब शिक्षा और स्वास्थ्य ये पब्लिक सेक्टर में नहीं होने चाहिए। राकेश जी माफ करना भी, आपकी पार्टी भी, और अभय जी ये तो शुरुआत ही अभय दुबे जी आपकी पार्टी ने किया था, ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और भी माफ करना आखिरी कमेंट और दे रहा हूँ रूबिका जी, जी सर, इन 2 सालों में गरीब और गरीब हुआ है, अमीरों के एसेट्स इतने बढ़ गए हैं। मैं सोच रहा था कॉरपोरेट टैक्स ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ पैसा निकल करके गरीब लोगों की योजना में, और जिसकी आपको चिंता मिडिल क्लास की, उनके लिए होगा। ऐसा पूंजीवाद तो अमेरिका में भी नहीं है जिस तरह का हिंदुस्तान में हो गया,
कुछ लोगों के एसेट्स इतने हो गए कि उनकी प्रॉब्लम हो गई पैसे की, और कुछ लोगों के पास अपनी डेड बॉडी को अस्पताल से लाने के लिए भी पैसे नहीं पैसे नहीं। थैंक यू वेरी मच केसी त्यागी साहब, आप सही कह रहे हैं, इसे के शेप्ड इकोनॉमी की तरफ जो है हम जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर की तरफ अमीरी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो वी शेप जो है वो कब आएगा कि दोनों जो हैं ऊपर की तरफ जाए, वो गरीब भी और वो अमीर भी। अब अभय दुबे जी, मैं चाहती हूँ आप भी ओपनिंग रिमार्क दें, लेकिन क्या आप केसी त्यागी जी की तरह वो खुला दिल रख पाएंगे जिसमें वो ये कह रहे हैं सरकार का साथ देने के बावजूद कि जहाँ अच्छा काम हुआ है तारीफ होगी, और जहां हो जाना चाहिए था अच्छा काम नहीं हुआ है तो फिर नसीहत भी दी जाएगी, और आपके केस में मैं कहती हूं आलोचना कर दीजिएगा। जी, जहां दिल फटा जा रहा हो, दिल फटा जा रहा हो, आप चिंता मत कीजिए। अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र भी बुराई नहीं कर सकता। हाँ, जब कोरव बजट बनाएंगे तो धृतराष्ट्र स्वाभाविक रूप से बुराई कर ही नहीं पाएगा उसकी। इस पे तो आज के बजट पर एक वैधानिक चेतावनी लिखनी चाहिए थी, जैसे फिल्मों में आती ना रुबिका जी, कि यह बजट काल्पनिक और मनगढ़ंत घोषणाओं के आधार पर बनाया गया है। इसका देश की प्रगति, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग, इनके किसी के हितों से कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई सरोकार भी है तो उसे सहयोग माना जाए। क्या किया है सरकार ने, मुझे बड़ा दुख हुआ। फर्टिलाइजर की सब्सिडी का प्रोविजन जो 1,40,000 करोड़ रुपए का था, उसको कम करके 1,05,000 करोड़ रुपए में खेती के इनपुट कॉस्ट फिर बढ़ाने की तैयारी है। फूड की सब्सिडी का जो प्रोविजन 2,86,000 करोड़ रुपए का था, उसको कम करके 2,06,000 करोड़ रुपए यानी 80,000 करोड़ रुपए कम करने का अर्थ है कि आगे मोदी जी ये जो मुफ्त की अनाज वाली गरीबों की योजना है ये बंद करने वाले हैं। ग्रामीण विकास में कोई एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई, 650 करोड़ रुपए कम कर दिए गए पिछले वर्ष की तुलना में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नॉमिनल 3,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। फ्यूल की जो सब्सिडी थी उसमें जो 14,000 करोड़ रुपए इसके पहले के साल थी, वो 6,000 करोड़ की इस बार 5,000 करोड़ कर दी। मतलब इन चुनावों के समाप्त होने के बाद फिर से इनके भाव बढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए, आप ये जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं ना हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दो साल से सुन रहा हूं मैं। अभी जब मैंने पता किया तो पाया कि 2,071 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए उससे 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से। इन्होंने कहा कि हम सोलर पंप पूरे हिंदुस्तान के एक एक किसान के घर में हम दो साल पहले घोषणा की थी, 34,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रख रहे हैं। कितने खर्च की जानते हैं, 380 करोड़ रुपए मात्र। ये जो बड़ी बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप पढ़िए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल की रिपोर्ट, 498 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, कॉस्ट ओवर रन 4,00,000 करोड़ रुपए हो गया उनमें। पैसे है नहीं उनको बनाने के, अनाउंसमेंट किए जाते हैं। ये बड़ी बात कर रहे थे, आप अगर उठाकर देखेंगे तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये बात करते थे कि हम आय दोगुनी कर देंगे क्योंकि हम एग्रीकल्चर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि जो क्रॉप है वो जीडीपी में उसका परसेंटेज बहुत कम रह गया, और उस कैपिटल फॉर्मेशन के नहीं होने की वजह से, और वो इतने निचले स्तर पर चले गया 2.7% ऑफ जीडीपी। तो कहते कारपोरेट जगत को इसमें इन्वॉल्व करने की, मतलब ये तीनों कृषि के क्रूर काले कानून फिर लाने की बात। आखिरी बात कहता हूँ, बड़ा खुलासा किया है भी आरबीआई को, एसबीआई ने एक रिपोर्ट सबमिट की इको रैप, वो ये कह रही है कि जो जीडीपी में 54% कंट्रीब्यूशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था, आज 2020-21 में वो सिर्फ 15% रह गया है। 80,00,000 एमएसएमई बंद हो गए हिंदुस्तान में परमानेंट। इन्होंने कहा था क्योंकि डिमांड साइड को इन्होंने एड्रेस नहीं किया, हम कह रहे थे कि साहब डिमांड को क्रिएट कीजिए, ये सब सिर्फ सप्लाई साइड की बात कर रहे थे। 20,00,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज। आखिरी बात मैं कहता हूँ, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने 2016 में कहा था मेक इन इंडिया, बोले मैं 25% जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कर दूंगा। आज रिपोर्ट आती है कि वो जो 2014-15 में 17% था वो घटा करके 14% पर ले आए हैं। चाइना से इंपोर्ट $97 बिलियन का हो गया। जी मेरी बात सुनिए ना, आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो अभी केसी त्यागी साहब कह रहे थे कि पूरा बजट सुना नहीं उससे पहले प्रतिक्रिया, तो आप पिछली जितनी भी रिपोर्ट है उन्हीं के आधार पर आज के बजट की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं आपने कहा उर्वरक मंत्रालय जो है उसका बजट कम कर दिया, नहीं सर, उस मंत्रालय ने तो अपना बजट बढ़ा दिया है 33% के आसपास, कुछ 1,07,715 जो है
वो बढ़ाया गया है। खैर ये एक त्रुटि थी जो मैंने ठीक कर दी है। अब राकेश सिन्हा जी से आपने बहुत सारे सवाल पूछा है सर, आप चुनौती इस मामले में मुझे चुनौती मत दीजिए ना, मैं तो फैक्ट्स को करेक्ट कर रही हूँ। उर्वरक मंत्रालय में 33% का इंक्रीमेंट हुआ है। आप भी अपने पेपर्स ले आइए, मैं भी ले आती हूँ। राकेश सिन्हा जी आपने सुना, अभय दुबे जी ने सारी बातें कही, केसी त्यागी जी ने भी और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी, आप इन तीनों के सराहना भी लीजिए और जो आलोचना है उनका जवाब मैं चाहती हूँ क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त। देखिए लोकतंत्र में वैकल्पिक बात कहने और आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसे त्यागी जी ने एक बुनियादी सवाल उठाया है कि ये पिछले कुछ वर्षों में ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और यहाँ का पूंजीवाद तो अमेरिका से भी अधिक बढ़ गया है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बजट की आंकड़े तो हमारे पास है लेकिन एक सब्जेक्टिव प्रश्न उन्होंने उठाया, मैं इसका जवाब देता हूँ। त्यागी जी, एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार ने, सरकार बनते नरेंद्र मोदी जी ने 2016-17 में जो एक कानून बनाएगा IBC कोड, चूंकि आप पढ़ते लिखते हैं, आप गहराई से समाजवादी विचारधारा से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसने लगभग 2.5 लाख सेल्स कंपनियों को बंद कर दिया, 3 लाख करोड़ हमें आया, ये क्या गांव का रामदीन या रोथेल प्रभावित हुआ कि इससे वे लोग प्रभावित हुए जो शीर्ष पर बैठ कर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे थे? 3 लाख करोड़ एक झटके में सरकार की बैंक आया, 3 लाख करोड़ महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो छेद हो रहा था होल मैं अभी पूरा कर दूंगा, नहीं नहीं मैं इसको पूरा कर दूंगा, होल इन दी बकेट जो हो रहा था, बाल्टी में छेद हो रहा था, उस छेद को ना छेद, यह कितना महत्वपूर्ण है यह आप समझते हैं? कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही ऐसा कानून बना सकती थी, चूंकि ऐसे कानून बनाने से खतरा क्या होता है कि ऐसे ऐसे ब्लैक मनी की जो ताकतें हों इकट्ठा होकर सरकार को डिस्टेबलाइज करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कुआं खोदो, जब आग लगती है तो कुआं खोदने वाली के प्रिंसिपल पर ये सरकारें चलती थी, बजट के समय में एक पॉपुलिज्म करके हेडलाइन बनाती थी। इस सरकार ने क्या किया जो आपने कहा अमृत वर्ष में, अमृत में उसका कारण बताता हूँ। पहली बार है कि विजन इन एक्शन, प्रधानमंत्री का जो दृष्टि है कि 2047 में को मालूम नहीं कि बीजेपी सरकार में रहेगी कोई और रहेगा, प्रधानमंत्री कौन रहेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक लंबे विजन देते हुए जो दो काम महत्वपूर्ण किया मैं उसको बता दूं, 5 नदियों को जोड़ने की एक जो ठोस प्लान देश के सामने आ चुका है, सिर्फ कंसेंसस के लिए हम बढ़ रहे हैं, क्या ये देश को कहां ले जाएगा? तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत ही फर्टिलाइजर सब्सिडी पर आपने तो अभय दुबे जी को कही दिया है, इन्होंने गूगल सर्च किया होगा, पहले के आंकड़े पहले के एस्टिमेट मिल गया उस पर वे बोल दिए, जो फूड सब्सिडीज दिया गया त्यागी जी, किसानों को 2,37,000 करोड़ का जो डिजिटल ट्रांसफर होगा, कभी हमने कल्पना की थी, हम और आप दोनों राजनीति में हैं और हम लोग विचारों की दुनिया में रहते हैं, प्रियंका जी भी हैं और सब लोग, हम लोग पढ़ते लिखते, मैं कहता हूँ सब लोग पढ़ते लिखते हैं, सबका अपना विचार है, क्या हमने कभी कल्पना की थी 2,37,000 करोड़ का एमएसपी दिया जाएगा? 2,37,000 करोड़ का कोई सामान्य बात है क्या? किसान के लिए फूड सब्सिडी जो इस पूरे 2 साल में जो माइग्रेंट वर्कर्स गरीबों को दिया गया, वो फूड सब्सिडीज क्या छिपी हुई बात है? अगर नहीं होता, अगर सरकार ये सप्लाई चेन क्रिएट नहीं की होती तो संभवतः इस देश में भारी, आपकी बातों से दो महत्वपूर्ण चीजें निकल तो मैं एक अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंतिम बात में कहकर समाप्त करता हूँ, यह जो बजट है वह बजट आने वाले 25 साल की एक ऐसी आधारशिला रख रही है जो देश की आर्थिक बुनियाद को बदलकर अगले 2-3 साल में हम अमेरिका, फ्रांस और जो बड़े इकोनॉमी हैं उनकी सीमा में रहेंगे। और यह बजट गांव तक पहुंचा है, गरीब तक पहुंचा है, हाशिए के लोगों तक पहुंचा है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश, जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के, हम IMF और वर्ल्ड बैंक UPI के समय क्या था, हम इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दो बातें आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में नहीं पता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार होगी, लेकिन इतना आगे की दूरदर्शिता इस सरकार ने दिखा दी है, 2047 तक के लिए तैयारी कर दी है। प्रियंका जी और केसी त्यागी आप दोनों से मुखातिब हुए, अभय जी आपसे भी। प्रियंका जी मैं चाहती हूँ छोटा रिमार्क आप दें, उसके बाद त्यागी साहब आपके पास और फिर दुबे जी आपका रुख। प्रियंका जी देखिए, मैं बहुत ही कम शब्दों में एक बात कहना चाहूँगी कि ये पूरे सरकार और उनके प्रवक्ता बातों के शेर हैं, काम में ढेर हैं। आप बार बार बोले जा रहे हैं अगली 25 साल की आधारशिला रख दी है, मैं इनसे पूछ रही हूँ अगले साल, मैं अगले साल भी छोड़िए, अगले 15 दिन के लिए
आपने क्या व्यवस्था की है जो आम आदमी जिन चीजों से त्रस्त है, आप बार 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 इन मुद्दों को बोल रहे हैं। मनरेगा का बजट आप लोगों ने काट दिया, आपने महिलाओं का जो एक सेकेंड विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का था उसका बजट काट दिया। आप बार बार कहते हैं आम आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए रोजगार बनाने का कौन सा माध्यम की आप बात कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक ही चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग आम गाँवों तक आपने पहुँचाया, जो केसी त्यागी जी ने कहा बिल्कुल सही है, और सारी रिपोर्ट्स ये इंडिकेटर हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और ये पूरा बजट जो है वो उन्हीं अमीरों के लिए किया गया है जो अब तक सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, और देश की जनता कोविड के बाद से जो अब तक उभर कर नहीं आ पा रही है उनको आप और चोट पहुंचा रहे हैं, और यही सच्चाई है और यही आप लोगों का बेस और ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा आने वाले समय में भी, प्रधानमंत्री रहे या ना रहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक सवाल जो है और वो जिन्होंने भी बजट को एनालाइज किया वो ये कह रहे हैं कि एक भूखा आदमी है उसको इसी वक्त आप मछली पका कर देना पसंद करेंगे या आगे का उसका इंतजाम करेंगे, उसके लिए एक ऐसा तालाब का आप तैयारी कर देंगे कि आने वाले कई वर्षों तक जो है वो अपने आप ना भूखा रहे ना अपने परिवार को भूखा रखे। मतलब और अभी मुझे किसी एक्सपर्ट ने ये तीन लाइनें कही थी जो मैं आपको सुना रही हूँ, जिसने बजट को एनालाइज किया है। प्रियंका जी, बहुत ही नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, और बिल्कुल हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही हूँ, पर ये जिम्मेदारी आपके हाथ में 2014 से है। 2014 से आप प्लेट में खाना परोसने का उनका इंतजाम कर रहे हैं, और आज हालत ये हो गई है 2022 में हम बैठे हैं कि ना उनके प्लेट में खाना है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई पॉलिसी है कि उनको रोजगार दे लें। और रोजगार के माध्यम से की भी अगर बात करते हैं, मनरेगा का आपने बजट कम कर दिया, कोई आपने इनकम स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं की है, और रही बात उनके लिए रोजगार जनरेट करने की, तो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारे युवा वर्ग बाहर रास्तों में आक्रोशित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई बहन किसानों का आंकड़ा दे रहे हैं, किसानों भाई बहन वो लोग सही थे जो डेढ़ साल बाहर खड़े रहे, ये सही है इसका जवाब राकेश जी मैं आप ही से चाहूंगी, लेकिन पहले चूंकि वादा है कि दो और लोगों से उनके सवाल ले लूं, उसके बाद राकेश जी आप तीनों के जवाब एक साथ दे दीजिएगा। त्यागी साहब, मेरे मित्र राकेश जी ने मेरे विश्लेषण को गलत अर्थ में ले लिया। मैंने ये नहीं कहा है कि वर्तमान सरकार ने पूंजीपतियों की या धन कुबेरों की संख्या बढ़ाई है। मैं जो तमाम देश के लोग इकट्ठा होते हैं देवास में, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का काम करता रहता हूं मैं, ये वहां की रिपोर्ट है कि कैसे भारत के अंदर भी 10% लोगों के पास इतने एसेट्स हैं और कैसे 50% से ज़्यादा लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके पास इतने एसेट्स हैं। और मैं अपने इस वक्तव्य पर राकेश जी अभी भी दृढ़ हूँ, नंबर एक। नंबर दो, आप अकेले नहीं हो, हमारे जो दूसरे मित्र हैं अभय दुबे जी, 91 से ये सुधार शुरू हुए हैं, जिसके लिए उस समय के वित्त मंत्री ने कहा था कि जिस लम्हे का दुनिया इंतजार कर रही थी वो लम्हा आर्थिक सुधारों का आ पहुँचा है। भाई अब इतने दिन हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, हमें विश्लेषण करना चाहिए। समृद्धि के कुछ टापू बने हैं, मैं मानता हूँ राकेश जी आपके विचार और अपने भी, आप कहेंगे समाजवाद फेल हो गया, आई एग्री विद यू, लेकिन पूंजीवाद भी पूरी दुनिया में फेल हो गया है। दुनिया का अमेरिका जो पूंजीवाद का गढ़ है, वहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है लेमन्स ब्रदर्स, वो बैंक करप्ट हो गया, 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकन्स ने अपने आप को बैंक करप्ट साबित कर दिया। तो ये समाजवादी फेल नहीं हुआ, पूंजीवादी फेल हुआ। लेकिन मैं इस सरकार का भी प्रशंसक हूँ, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये किसानों ने जो धरती माँ का सीना चीर करके दौलत पैदा की है, ये उसकी बदौलत है, उसके चेहरे पे कमजोरी नहीं झलकनी चाहिए, उसको उसको 750 लोगों को मरने नहीं देना चाहिए यहाँ पर। और अब जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो आर्थिक सुधार हैं ये चलाओ आप, लेकिन जो आखिरी इंसान है गांधी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी भी हालत देखो, 27 रुपये रोज पर हम गुजारा कर रहे हैं गांव के बड़ी आबादी के लोग। हम लोग तो चैनल पर बैठ के कह देते हैं कि छोटा किसान बड़ा किसान, अब गांव में कोई भी राकेश जी बड़ा किसान नहीं बना। बेगूसराय में लैंड रिफॉर्म हो गए, कितने कितने बचे 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ वाले, आपके तो समाज के लोग बड़े भारी वहां पर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, कहाँ चले गए सब लोग। ठीक है, जो रियलिटीज हैं आज की, उसमें मैंने ये नहीं कहा कि मोदी सरकार ने कैपिटलिज्म बढ़ाया,
इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार इस तरह की है 91 के बाद कि धन कुबेरों की संख्या बढ़ी है और जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो सोसाइटी है उनके ऐसे अहम बात ये है, मैं अपनी इस बात पर अभी भी दृढ़ हूँ। ओके, और अब मैं चाहती हूँ अभय दुबे जी आप भी अपनी बात कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे राकेश सिन्हा जी का एक कॉमेंट लेना पड़ेगा। आपने उन सबसे आप सबने उनसे सवाल पूछे और बगैर जवाब लिए शो पूरा नहीं हो पाएगा। अभय जी कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए प्लीज। बिल्कुल कम शब्दों में, फर्टिलाइजर का जो रिवाइज एस्टिमेट था वो 1,47,122 करोड़ था, इस सरकार ने उसको घटा करके 1,05,222 करोड़ कर दिया है। फूड का जो था वो 2,86,469 करोड़ था, जिसे कम करके 2,06,831 करोड़ कर दिया है। एक्सपेंडिचर बजट में आप प्रमुख मदों का व्यय में जाकर इसको देख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी एक और बात कर दूं। आप कह रहे थे 1,40,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जानते हैं आप, समझते राकेश सिन्हा जी? मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में डिमांड नहीं है तो क्या आप मानते हैं कि इतनी इतनी तादाद में प्रोडक्शन बढ़ा दिया होगा कंपनी ने? ये इन्फ्लेशन का असर है जो आपको बढ़ करके टैक्स मिला है, एक बात। दूसरी किसान, एक मिनट आखिरी बात, ये जो किसानों की बार बार आप भी बात कर रहे हैं, रूबी का लियाकत जी 2,35,000 करोड़ कहाँ खोए हुए हैं आप लोग? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पहले से हो रहा है सीधे खातों में ट्रांसफर। और ये बता दूं मैं, 31 करोड़ मैट्रिक टन फसलों का उत्पादन होता है, 1208 लाख टन सिर्फ प्रिक्योर। सर ये सब पहले से ही हो रहा है, तो फिर तो अब तो किसान जो है वो अडानी और अंबानी हो जाने चाहिए थे, फिर तो उन्हें अपनी मांगों को लेकर ना तो हड़तालें करनी पड़ती, ना बाहर आना पड़ता। वक्त नहीं है सर, कमी है ना वक्त की। अभय जी आप भी जानते हैं, प्लीज राकेश जी को फिर मौका नहीं मिलेगा ना, रुक जाइए। अभय जी मिलेगा सिर्फ 10 सेकंड पर, क्यों क्यों चिल्ला रहा है किसान? क्योंकि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी मोदी जी ने, ठीक है? इसलिए ओके राकेश जी, किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए, सीधा सीधा आरोप यहाँ पर अभय जी लगा रहे हैं। देखिए मैं एक बता दूं कि सूप तो सूप चलने भी बोले, ये अभय जी कर रहे हैं, मैं उनका क्या जवाब दूं, तो अपनी ही बात पर डिफेंसिव हो रहे हैं और मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। त्यागी जी ने जो बुनियादी सवाल उठाया मैं उसका जवाब दे देता हूं। पहली बार 14 के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने एसेट क्रिएशन शुरू कर दिया जो गाँव के हाशिए के लोग हैं, और एसेट क्रिएशन में आप देखिए अभी हम 80 लाख पक्का घर गाँव और शहर के लोगों को दे रहे हैं। ये पक्का घर किसको मिल रहा है? वो लोग थे जो 47 के बाद से घर विहीन थे, जब गांधी जी ने नेहरू को पत्र लिखा कि तुम बड़े घर में रह रहे हो, वायसराय बड़े घर में रह रहा, लाखों लोग सड़कों पे रह रहे हैं, उसकी सपने को कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात अभय जी, आपके लिए नल से जल का महत्व नहीं होगा, हम तो बिसरेली का पानी पी लेते हैं बोतल पर, हमारी हम चाहे समाजवाद की बात करें पूंजीवाद की बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सुन लीजिए अरे अब आप, मैं नहीं बोल रहा था, देखिए इस तरह चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। देखिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। तीन लोगों ने सवाल एक दूसरे के बीच में किसी ने, देखिए ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया तरीके से विचार विमर्श हो रहे थे, आलोचना भी हो रही थी, सराहना भी हो रही थी। कोई हमत लाई आप, एक बार सुन लीजिए और फिर मैं कोशिश होगी कि मौका दूं। राकेश जी 10 सेकंड सर। देखिए 5.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल मिले, जो कैंसर से लेकर अन्य बीमारियों के शिकार होते थे, जॉन्डिस का शिकार होते थे, क्या ये हेल्थ से जुड़ा मामला नहीं है? क्या ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं? हमने आप कहते क्या किया 7 साल में, प्रियंका जी ने पूछा, अरे 8.5 करोड़ घर को हम जल देना, जिसमें 3.5 अभी 3.3 अभी दे रहे हैं, 5.5 करोड़ घर को हमने दिया। आज कौन सा राज्य है जो कहता है हमारे पास बिजली नहीं है? 2014 से वक्त की कमी है और खासकर उन गरीबों के लिए, उन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, और इसीलिए वो जो कहते हैं ना कि जितना आया है उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद है, और वो करना भी चाहिए, सरकारों को चुनते क्यों है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।